दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत भूमि ब्लॉग के इस नए वीडियो में। हम आ चुके हैं बिहार के कैमूर जिले में। कैमूर जिले की ये बहुत ही सुंदर जगह है। कैमूर शब्द अगर आता है तो इस स्थान की ये फेमस जगह है, फेमस लोकेशन है। आप काफ़ी वीडियो देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। यह है करमचट डैम। इस वीडियो में हम आपको गुप्ता धाम का यात्रा कराने वाले हैं। सावन का महीना है तो गुप्ता धाम कैमूर की पहाड़ियों में स्थित शिव मंदिर है जो गुफा के अंदर कई वाटरफॉल हैं। गुप्ता धाम की यात्रा आप प्रारंभ जब करेंगे, जंगलों का रास्ता है, एक तरफ डैम है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, उसके बीच में सकरे रास्ते हैं। काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है, बहुत अच्छी लोकेशन है और पूरे रास्ते में करीब 5-6 आपको बड़े बड़े वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो पानी पहाड़ से सीधे गिरते हुए इस बांध के अंदर आता आपको दिखाई देगा। काफ़ी भीड़ भाड़ होने वाली है, आपको मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग है, यहाँ पर गेट है, सामने गुप्ता धाम प्रवेश द्वार है और इस गेट पर ही बहुत बड़ा सा ये स्टॉल लगा है, दुकानें हैं। ये दुकानें केवल इस सावन के समय ही लगी हुई हैं और अन्य दिनों में ये सब पूरा खाली रहता है। जंगली क्षेत्र है, पूरा खाली रहता है, चारों तरफ जंगल और पहाड़ है। और यहाँ पर मुख्य द्वार है, गुप्ता धाम प्रवेश द्वार है। इसमें जब आप एंट्री करेंगे तो देख रहे हैं बहुत सकरा रास्ता है, एक तरफ पूरा पहाड़ है, दूसरे तरफ ये डैम है और बीच में पतला पतला रास्ता है। उसके पहाड़ी के नीचे से ही किनारे किनारे पतला रास्ता है जो सीधे आपको गुप्ता धाम लेकर जाएगा। इधर ये पूरा डैम है, डैम में हालांकि इस समय पानी कम है, बीच बीच में ये टीले आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ है शेरगढ़ किला, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं इसके ऊपर है शेरगढ़ किला। सबसे ऊपर आप बाउंड्री देख पा रहे होंगे, ये शेरगढ़ किले की बाउंड्री है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं अब गुप्ता धाम यात्रा पर। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेगा जगह जगह पर, तो वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर पहला झरना मिला है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा पानी, बारिश के मौसम में भी देखिए पहाड़ों के बीच से छनते हुए काफ़ी साफ पानी आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पानी यहाँ पर बहते हुए इधर करमचट डैम में चला जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए नहावा रहे हैं, काफ़ी साफ पानी है। ये पहला झरना हम आपको दिखा रहे हैं जो गेट से लगभग 2-3 किलोमीटर आप अंदर आएंगे तब यहाँ पर एक पहला झरना आपको देखने को मिलेगा। फिर ये रास्ता आगे की तरफ आपको लेकर गुप्ता धाम की तरफ चला जाएगा। तो ये है रास्ते यहाँ पे आने के लिए। और इधर एक झरना आपको मिला था, इधर करमचट डैम है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र उतार दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घटना दुर्घटना होती रहती है, रास्ता भी नहीं सही है। और इधर भी आपको झरना दिख रहा है, झरने के पास हम लेके चल रहे हैं आपको, दूसरा झरना है वो।
और ये नीचे से रास्ता बना हुआ है यहाँ आने के लिए, इधर ही रास्ता चला गया है। काफ़ी ख़तरनाक ये यहाँ पर चढ़ाई है, ट्रैकिंग है। इधर से रास्ता किनारे किनारे आता है, इधर की पहाड़ी देखिए, और इधर है तीसरा झरना, ये देखिए। बारिश के समय में काफ़ी गंदा पानी झरने का रहता है, लेकिन क्योंकि पत्थरों पहाड़ों के बीच से छनते हुए पानी आ रहा है, इसलिए काफ़ी साफ पानी ये लग रहा है। हम आगे चल रहे हैं और आपको आगे भी कई झरने दिखाई देंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा झरना है वो भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।